तो यहाँ पर आराम की इतनी ज्यादा सुविधा है। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फिटनेस व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही ज्यादा कमाल का। आज की हम वर्कआउट जो करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं ग्लूट्स की 5 जबरदस्त एक्सरसाइज। तो अब कुछ लोग बोलेंगे लड़कियों की होती है, आप क्यों कर रहे हो? तो भैया हम भी महीने में एक दो बार ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या ना, पूरी बॉडी में हमारे लेग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट। तो पोजिशन मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो पूरा स्ट्रेट रहना और बिल्कुल जितने आपके पाँव हैं वहीं से आपको पकड़ना, ठीक है? और यहाँ से पकड़ने के बाद आपको डाउन जाना और सीधा ऊपर, थोड़ा ब्रीथ आउट चेस्ट बाहर। तो अभी हम करेंगे वार्म अप। और आपको जब डाउन जाते हो तो आपको शोल्डर से उठाना है, यानी कि यहाँ गए हमें शोल्डर से ही उठाना है। ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, यानी कि आपको यहाँ पे ब्रीथ आउट करना और यहीं पे इन करना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लक्ष्य को भी वार्म अप करवाएंगे। चलो भैया जा। चलो बस यहीं से, तो मूवमेंट आप देख सकते हो पीछे आके। वेरी गुड, शाबाश। चल टेन वेरी गुड, बस यहीं से 1 2 मूवमेंट के साथ कर लिए। 7 8 9 लास्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अभी हम करने वाले अपना पहला सेट। और मूवमेंट आप देख सकते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारी लेग्स वाइड है, वहीं से हमें इसको पकड़ना पड़ेगा। जब हम डाउन जाते हैं थोड़ा सा ब्रीथ हमें अंदर की तरफ खींचना है, शोल्डर को डाउन, हिप्स को बाहर की तरफ। शुरू करते हैं। जाते थे डोला से जाना है, तो स्लो डाउन जाना आपको, और यहीं से यही शोल्डर से उठाएंगे आप और ग्लूट्स पीछे की तरफ। मैं भी जिम में आ गई हूँ। तो पहले मैंने सोचा था जिम ना करूँ, फिर मैंने सोचा बहुत ही मुश्किल से जो मेरा शेड्यूल है ना वो बहुत ही लाइन पर आया जिम का, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, आज ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, बट मैं 30 मिनट 40 मिनट्स कार्डियो करूंगी। तो अभी लक्ष्य यहाँ पे कर रही है ग्लूट, देखती हूँ उसकी पोजीशन। चलो डाउन कर, हिप्स को डाउन कर, पहले हिप्स को डाउन कर, डाउन कर, डाउन कर, शोल्डर से चल। वेरी गुड, स्लो डाउन, वेरी गुड। नीचे डाल दे, पूरा हम ब्रीथ छोड़ दिए हैं, अब नीचे जाएगी, अब यहीं पे लेनी है। चल 10 कर, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ से उठेगा लक्ष्य, झटका मत मार। चलो 2, वेरी गुड, 3। तो मूवमेंट आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की मूवमेंट है। शोल्डर से वेट उठ रहा है, लेग के डाउन है और ग्लूट्स पूरे स्क्वीज हो रहे हैं और पावर ग्लूट्स पे आ रही सारी। 2 मोर 2 मोर 2 मोर 1। सामने देख, गर्दन नीचे रहना लग जैसे, तो गोलू को थोड़ी पावर मिल गई। कह रही एक करके देखती हूँ, ज़्यादा मत कर, 2 कर लियो। 1 क्लोज, गोलू क्लोज पैर, हाँ चल, एक करिए टच करके नीचे, थोड़ा हाथ खोल ना, पाँव जितने पकड़ा, हाथ हाँ पाँव जितने, ठीक है, पाँव जितने, देखो बराबर है दोनों साइड से। कार्डियो के साथ साथ ना आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स भी रीड कर देती हूँ। तो पहला कमेंट है सुखजीवन कौर का, 3108 का कमेंट क्या है, गोलू पायल दोनों बहुत स्ट्रांग है, कोई दुख आए जाए जान से एक दूसरे के लिए जान लगा देती है, ऐसा ही प्यार बना रहे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सुखजीवन कौर जी। देखो यही फैमिली होती है, और फैमिली एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेगी, एक दूसरे के साथ स्टैंड नहीं होगी तो क्या फायदा फैमिली का। आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि लोअर बैक बहुत ही मजबूत करनी होगा आपको। तो क्या ना कि कुछ लोग ना ढील छोड़ देते हैं, बेल्ट नहीं बांधते, पर मेरे पास बेल्ट है तो मैं सेफ्टी पर्पज पहले रखता हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं नहीं कर, बेल्ट लगा दिए। तो आज बिल्कुल भी पावर नहीं थी, फिर भी वर्कआउट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि रूटीन रहे। चलो वेरी गुड, झटका मत मार, बिल्कुल स्लो जा, झटका मत मार, 5 कर ले जा, 7 होते हो, 2 मैं करवा दूंगा। चलो वेरी गुड, ऐसे मत कर, लग ऐसे मत उठा, वेट कम कर ले, पोजीशन रख, वेट के पीछे मत भाग। लक्ष्य ने क्या किया ना, तो वेट बाहर बहुत भारी लग रहा था, तो मैंने बोला वेट के पीछे मत भाग, मूवमेंट अच्छी कर, अब मूवमेंट अच्छी कर रही है, थोड़े हाथ क्लोज कर ले। 4, तो ये एक्चुअल मूवमेंट है। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ नहीं कर सकते वो बोलते हैं। तो जिम वर्कआउट में जब आप कर रहे हैं तो आपको मूवमेंट बतानी पड़ती है, ये मूवमेंट एक्चुअल मूवमेंट है, शोल्डर वाइड है जितना हमने वेट लिया हुआ, और शोल्डर से ही उठ रही है, जाने दे नीचे के बराबर, बस यहीं से ऊपर पूरा आने दे, सही है, शाबाश। 4 3 2। कमेंट है हरमन कौर जी का, पायल दी आपका रसोली को ऑपरेट हुआ है, प्लीज आप 2 मंथ का
फुल ध्यान रखे, कोई भी भारी काम मत करो, हो सके तो 2 मंथ के बाद ही जिम स्टार्ट करना। लव यू, कोई भी रिस्क मत लेना अपनी हेल्थ के साथ। लव यू मलिक फैमिली। हरमन कौर जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, पायल कोई भी रिस्क नहीं लेगी, पायल को कोई भी जल्दी नहीं है जिम ज्वाइन करने की। अभी मैं फिट एंड फाइन हूँ इसलिए मैं जिम में आती हूँ, और उसका बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ रसोली का, तो जब तक वो ठीक नहीं होगी उसको अंदर से नहीं लगेगा कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, तब तक वो जिम ज्वाइन नहीं करेगी। थैंक यू। तो गाइस वेट है मैं अबाउट 140 किलो, बहुत टाइम हो गया मुझे छोड़े, फिर भी हम कोशिश करेंगे 7 रैप निकल जाए, जट दे डोले च जान है। तो गाइस मुझे अभी जिम आए ना टोटल 20 मिनट हुए हैं, और 19.5 मिनट के अंदर मैंने 101 कैलोरीज बर्न कर दी है, और हाँ बहुत ही मेहनत लगती है कैलोरीज बर्न करने में। मैं सोच रही हूँ बस 20 मिनट जो मेरा ट्रेडमिल था ना इतना इनफ है, 20 मिनट्स करूंगी क्रॉस ट्रेनर, तो अभी मैं इसको करने वाली हूँ स्टॉप, पर अभी स्टॉप नहीं करूंगी। देख लो अभी 10 सेकंड पड़ गए हैं, पूरे 10 सेकंड बात करूंगी, 1 2 3 4। देखो इंसान ना अपने आप को जो बोलता है ना उसे जरूर पूरा करना चाहिए, मैंने बोला था 20 मिनट तो 20 मिनट डन। चलो हो गया भैया 20 मिनट। तो नेक्स्ट कमेंट है डीबी व्लॉग 3268 का कमेंट, क्या है, गोलू दी हम भी जिम करना चाहते हैं कैसे करें, फर्स्ट टाइम प्लीज एक्सप्लेन मी, आई वांट टू फिट माय बॉडी लाइक अरमान भैया। तो सबसे पहले ना अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आओ कि मुझे ऐसा बनना है, एक फोटो ना आप रख लो किसी की भी रख लो कि मुझे ऐसा बनना है, मतलब नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस आपकी मोटिवेशन के ऊपर है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो कुछ भी कर सकते हो, यानी कि कुछ भी, चांद पे भी जा सकते हो। तो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी डंबल डेडलिफ्ट, पोजीशन थोड़ी सेम होती है, सेम ही होती है तकरीबन, ये लगा लो सेम होती है, पर इसमें मूवमेंट और ज्यादा जबरदस्त होती है। आ जाओ लोअर बैक में कर्व रख थोड़ा सा, चलो शोल्डर से उठेगा, वेरी गुड, यहीं पे 5 मोर 4, ब्रीथ आउट इन किया, अगर ब्रीथ का भी चक्कर पड़ता है सारा, बताए तो पूरा स्क्वीज हो रहा है, आप देख सकते हैं मसल हिप से आ रहा, पूरा लोअर बैक अपनी कर्व है, शोल्डर से उठाया जा रहा है, तो आप भी ध्यान रखें। नेक्स्ट कमेंट है अमिन भट्ट जी का, गोलू आप बहुत अच्छी हो, और पायल जिम के बगैर वाली एक्सरसाइज बताइए, मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, प्लीज रिप्लाई देना। तो अमिन जी आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो कि आपको जो शोल्डर में पेन है किस लिए है। देखो कभी भी आपकी बॉडी में कोई पेन होना तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करो, नहीं तो आप शोल्डर पेन रिलीफ की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, आर्म्स की एक्सरसाइज होती है शोल्डर्स की, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो घर पे। तो भैया डंबल ले लिए भैया, हमने भी 15 की मूवमेंट देख लेना आप भी। नेक्स्ट कमेंट है स्माइल 005 का, मैम लेग कैसे करनी है, मतलब लेग कैसे कम करनी है, बाकी तो मैं पतली हूँ बट मेरी लेग्स मोटी है। देखो हर चीज का इलाज वर्कआउट होता है, आप कार्डियो करो, लेग का वर्कआउट करो, हिप्स करो, स्क्वाट्स करो, अपने आप का मजा। तो लड़की का जोश देख लो, इतनी जल्दी 5 के डंबल से सीधा 15 भी आ गया, और मूवमेंट दे लो कहीं भी ये लगा लो, मूवमेंट खराब नहीं है, और आप जितने लोग भी देख पा रहे तो आप बताना कि मूवमेंट में कहाँ पे चीट हो रहा है, बस मुझे थोड़ा सा ब्रीद आउट में लगता है क्योंकि नहीं बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालती लड़की। शाबाश, 5 मोर 1। ये देख लेना एक साल में इतनी जबरदस्त बॉडी बनाएगी ना, जो बॉडी बिल्डिंग की लड़की है ना, इसको नियर अबाउट 1.5 महीना हुआ है, तो वो लोग लूट्स कर रही है बहुत ही कम वेट से। चलो वेरी गुड, हिप्स पीछे की तरफ और यहीं से उठेगा, यहीं जाएगा, चलो यहीं जाएंगे, नीज की तरफ जाएंगे, यहीं से उठा, नीज, वेरी गुड, शाबाश, 5 मोर। कमेंट है प्रफुल बेलो का, कमेंट क्या है, व्हाई अरमान फोर्सिंग गोलू एंड पायल फॉर हैवी एक्सरसाइजेस, दे आर जस्ट डिलीवर्ड नाउ। तो गाइस बिल्कुल मेरी डिलीवरी कुछ टाइम पहले हुई है, अरमान जी मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे, आपके अंदर खुद के अंदर मोटिवेशन होती है जिम करने की, और जो जिम है ना मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी मैंने स्टार्ट की है, मैं प्रेगनेंसी से पहले भी जिम करती थी, तो मुझे जिम करना खुद को बहुत अच्छा लगता है। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ना जिम के लिए, ना खाने के लिए, ना प्यार के लिए, ये तीनों चीजें ऐसी है कि इंसान खुद करता है, फोर्स नहीं होती। तो गाइस मैंने सोचा एक काम करती हूँ, सभी ग्लूट्स कर रहे हैं ठीक है, तो एक काम करती हूँ थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, तो अभी 10 kg की रॉड के साथ ट्राई करा है, और ज्यादा सेट नहीं करे, 5 to 6 करे है, मुझे लग रहा है मैं कर सकती हूँ, और तो 2 से 3 सेट्स और करूंगी। तो नेक्स्ट कमेंट है माई सेल्फ 9 आदिति बैनर्जी का, गोलू दी मैं जिम नहीं जाती हूँ पर मेरा टमी एंड थाई का फैट कम करना है, कोई एक्सरसाइज बताइए प्लीज। देखो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे पहले आप घर से निकलना सीखो, आप चलो जिम नहीं जाते, आप कहीं रहते होंगे, आप रनिंग करो, थोड़ा सा भागो, अपने आप को ना कष्ट दोगे ना तभी कम होगा, बातों से कम नहीं हो पाए। तो वेट है भैया 20 kg, और जट दे डोड़िया ची जान रहंदी है, तुम्हें पता ही है। सो
तो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं भी ट्राई करती हूँ। सब कुछ ट्राई करने से होता है, अपने अंदर मोटिवेशन लानी पड़ती है तभी चीजें होती है, बातों से नहीं होती है। तो देखती हूँ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर ट्राई जरूर करूंगी। ब्रीद आउट, टू मोर, फोर, शाबाश चीते, बढ़िया। तो नेक्स्ट कमेंट है एसके गेमर 3268 का। कमेंट क्या है, आप पंजाबी में व्लॉग बनाओ किसी दिन तो असी जरूर ट्राई करांगे कि असी पंजाबी विच व्लॉग बनाए। और पंजाबी विच व्लॉग पहले भी असी बना के हैं, मेरी पंजाबी बहुत ही बुरी है, मैं हूँ वैसे पंजाबन बट मैं पंजाबी बोलती नहीं थी इसलिए मेरे को आदत नहीं है। पर अरमान जी की जो पंजाबी है ना बहुत ही चंगी है गाइस, इतनी चंगी है, इतनी चंगी है, मैं चाहती हाँ कि तुसी कुछ शब्द उन्नी जवानी सुन लो, तुसी तुसी कुछ पंजाबी विच बोलांगी? कुछ कुछ बोल रही है, सोनी गुड़ी है और पंजाबी गुड़ी है, नाल नाल पंजाबी नहीं आंदी, ये बड़ी हैरानी दी गल। मेनू पंजाबी इसलिए नहीं आंदी क्योंकि स्टार्टिंग से ना असी पंजाबी विच गल ही नहीं करदे सी, असी हिंदी ते इंग्लिश, आई नो इंग्लिश एंड आई नो हिंदी, आई डोंट नो पंजाबी बिकॉज असी गल नहीं करदे सी। असी पंजाब च रहने हैं, इन्हां नूं सिखावांगे पंजाबी। मेनू आंदी है बट द थिंग इज कि मेनू प्रॉपर नहीं आंदी, थोड़ी थोड़ी आंदी, लिटिल बिट आंदी तुहानू? यस लिटिल बिट। असी सोच रहे थे तुहानू पार किते भेज देने, उत्थे पंजाबी विच सिख के वापस आने का। तो असी सोच रहे हैं कि असी नहीं, मैं सोच रही हूं कि मैं कनाडा जाऊं, कनाडा में फुल पंजाबी बोलते हैं सब। चलो मैं इन लोगों को भेजूंगा आज नहीं तो कल जरूर भेजूंगा। सो गाइस ज्यादा वेट नहीं उठाया, 7.7.5 का डंबल लिया है, तो लेट्स स्टार्ट माय लक्ष्य। एक बार देखियो आगे आ जाओ, मुझे बता दे। शाबाश, हां यही बस सामने देखो, गर्दन नीचे रखो। ओके, गर्दन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। हां शाबाश, आ रहा है। ओह आ रहा है। 5 और शाबाश। ओह एक और। ओहो हो, इस कमेंट इज फ्रॉम शेरी गर्ल 9557। द कमेंट इज आपके ये चैनल बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अरमान जी प्लीज बताइए वेट लॉस के बाद स्किन लटक जाती है जैसे बाजू की और पेट की, इसको कैसे सेट करें? तो ये जो रिप्लाई है ना आपको अरमान जी देंगे, जहाँ की भी स्किन लटकी हो ना आप वहाँ का वर्कआउट करें, समझो कि आपकी टमी की लटकी हो वहाँ पे ना आप लेग रेस करें, क्रंचेस करें, उसके बाद ना हाई प्रोटीन डाइट ले तो टाइट हो जाए। तो गाइस इतना प्यारा कमेंट आया ना, ये कमेंट ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है ना, मैं कमेंट ऑफ द डे बता देती हूँ इसको क्योंकि इसने मेरी तारीफ फोड़ी है। तो कमेंट क्या है, आशुतोष कुमार टेकरी 1150 का कमेंट है, गोलू दी आप तो फिट लगती हो, आप जिम क्यों करती हो? तो गाइस मैं फिट इसलिए लगती हूँ क्योंकि जो मेरी बॉडी है ना बहुत ही ना मतलब बहुत ही जल्दी चेंज हो जाती है, मैं बहुत जल्दी मोटी भी हो जाती हूँ, बहुत जल्दी पतली भी अपनी बॉडी कर लेती हूँ। मेरा जो मेरी बॉडी में क्या है ऐसा कि मैं बहुत जल्दी है मेटाबॉलिज्म, तो गाइस मेरा जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत फास्ट है, तो इसलिए और मैं जिम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मेरे आर्म्स पे और लोअर टमी पे ना काफी सारा फैट है, जैसे कि आपको पता है मेरा सी सेक्शन हुआ है तो जो टमी होता है वो गर्ल्स का लटक जाता है आफ्टर योर बेबी एंड आर्म्स मोटे है मेरी, तो इसके लिए मैं वर्कआउट कर रही हूँ ताकि मैं पहले जैसी हो जाऊँ। जान निकल गई है, मतलब वाक्य में जान निकल गई, सारे दिन से भाग दौड़ हो रखी थी, पूछो मतलब बहुत सारा घर का काम था और अंदर हॉस्पिटल बहुत सारे, फिर भी कि ये टाइम ख़राब ना हो, फजूल ना चला जाए, अपने ऊपर काम कर। हिप थ्रस्ट के बाद तो जान निकल गई गाइस वाक्य में। तो अभी करने वाले सुमो स्क्वाट वेट 20 kg और पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ। चल भाई लक्ष्य, वेट उठा, लोअर बैक पीछे से डाउन जाएगी, हिप्स डाउन जाएंगे, उठा चल डाउन, पूरा डाउन डाउन, 5 more, 1 2 चल 1 लोअर बैक सीधी, 1 वेरी गुड, एक और शाबाश, हो गया शाबाश। तो यहाँ पर आराम की इतनी ज़्यादा सुविधा है, ये देख लो। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ।